अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माय मॉम। जी हाँ, आज की लुक जो है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, और आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी, क्योंकि आज हम हेयर कलर से लेके हेयर कट और स्किन की केयर और उसके अलावा मेकअप लुक हम सब कुछ चेंज करने वाले हैं, सब कुछ ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। और मज़े की चीज़ यह है कि इसमें मेरी मदर को हमने बिल्कुल मिरर नहीं दिखाना। एंड पर मैं उनका फाइनल रिएक्शन लूँगी उनसे कि उनको कैसा लगा है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्लिंजिंग से स्टार्ट कर दिया, स्क्रबिंग शुरू की है। ठीक है, क्लिंजिंग स्क्रबिंग के बाद जो है वो हमने हेयर कट शुरू कर दिया है। और आप देखें मेरी मदर के बाल नीचे से कितने डैमेज हुए हैं, और मैंने इतने सारे बाल रख के उड़ा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद एक ज़बरदस्त सा हेयर कट दिया। अगर आप लोगों को इस कट की वीडियो चाहिए तो आप लोग वो भी मुझे कमेंट्स में कह सकते हैं, और मैं आप लोगों के लिए ये वाली वीडियो अपलोड कर दूंगी। बहुत आसान कट है, बहुत ईजीली आप लोग कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पर आप देख लें मेरी मदर की स्किन क्लिंजिंग और स्क्रबिंग के बाद कितनी नीट हो गई है। हमारी मदर जो है वो बिल्कुल अपनी स्किन की केयर नहीं करती, बालों की केयर नहीं करती। अगर वो हल्की सी थोड़ी बहुत केयर करें तो उनकी स्किन काफ़ी अच्छी दिखाई दे सकती है। तो जनाब मैंने कहा चलें जी आज इनको पूरा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का प्राइमर। ठीक है, प्राइमर से हमने काम शुरू कर दिया, बाल हमने पीछे बांध दिए हैं। अभी हम एंड पर बालों का स्टाइल भी चेंज कर देंगे कम्प्लीट। तो आईज से काम मेकअप शुरू करते हैं। आई बेस के तौर पर मैं काशीज़ की फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो जनाब वीडियो बहुत मज़ेदार है, फ़न वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है, क्योंकि आप लोगों को मैं आज की वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी कि आप मैच्योर स्किन पे मेकअप कैसे कर सकते हैं। आप अपनी मदर्स की स्किन को, अगर गर्ल्स आप लोग मेकअप करती हैं तो आप लोगों को क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको यंगर दिखा सकती हैं, अपनी एज से 10 ईयर एटलीस्ट यंगर आप दिख सकते हैं मेकअप से, लेकिन और कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी स्किन को, आपके फेस को जो है वो एजड दिखाएंगी या बहुत ज़्यादा मेच्योर दिखाएंगी। तो आईब्रोज से देखें, मैंने सबसे पहली ट्रिक तो देख लें, मैंने आईब्रोज चौड़ी रखी हैं। हमारी मदर्स क्या करती हैं, जो या एजड जितनी भी औरतें होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि वो अपनी बहुत बारीक आईब्रोज बनाती हैं, जो कि बहुत गलत है। जितना आप बारीक आईब्रोज बनाएंगे उतनी आपकी एज ज़्यादा लगेगी। तो आप लोगों ने आईब्रोज को चौड़ा रखना है। ठीक है, उसके बाद आँखों को डेप्थ देने के लिए क्रीज लाइन के ऊपर लाइटेस्ट ब्राउन शेड लेके मैंने क्रीज लाइन को डिफाइन किया, और आउटर वी के ऊपर मैं यहाँ पर जो शेड अप्लाई करी हूँ डार्कर ब्राउन सी शेप में मैं अप्लाई कर रही हूँ। और ब्लेंडिंग मस्ट है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। अगर आप लोग इसी तरह शेड लगा के छोड़ देंगे तो वो बहुत हार्श लुक आएगी। कॉर्नर्स नहीं बनाने बहुत ज़्यादा, जैसे पुराने वक्तों में कॉर्नर्स बना के छोड़ दिया करते थे, आप लोगों ने ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद जनाब हम कर रहे हैं कट क्रीज। कट क्रीज आपकी आँखों को बड़ा दिखाएगा। अब ये जो टिप्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो आप अपनी स्किन को बहुत यंग दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एक और आपको टिप दूँ वो ये है कि आप लोगों ने शिमर शेड्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना अपनी स्किन के ऊपर, मतलब मेच्योर स्किन के ऊपर। अगर रिंकल्ड आईज हैं, आपकी आईज के ऊपर रिंकल्स हैं, तो बिल्कुल शिमर्स इस्तेमाल ना करें, क्योंकि शिमर शेड जो हैं वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा रिंकल्स को और प्रोमिनेंट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप देख लें मैंने कोई भी शिमर शेड यूज़ नहीं किया, सारे मैट शेड यूज़ किए हैं कट क्रीज के बाद, बिल्कुल लाइट सा स्किन कलर लेके उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कट क्रीज के ऊपर अप्लाई कर दिया। ठीक है, ताकि वो ब्लेंडेड से लुक लगे। और उसके बाद मैंने क्रीज लाइन को भी ब्लेंड कर दिया, जो मैंने कट क्रीज किया था उसको भी ब्लेंड कर दिया। नंबर 4 टिप जो मैं आपको दूंगी, इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप लोगों ने लाइनर जो है ब्राउन लाइनर यूज़ करना है। देखें मैं यहाँ पर ब्लैक लाइनर का इस्तेमाल नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि ब्लैक लाइनर भी आपकी आंखों को हार्श दिखाएगा। आपने सॉफ्ट दिखाना है अपनी आंखों को, तो आप ब्राउन लाइनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यार ये जो टिप्स मैं आपको दे रही हूँ ना, आप अगर इनको फॉलो करेंगे तो आप बहुत ज़बरदस्त मेकअप कर सकते हैं। उसके बाद लैश कर्लर से लैशेस को कर्ल किया और मस्कारा अप्लाई किया। अगर आप एवरीडे मेकअप कर रहे हैं तो आप जस्ट मस्कारा अप्लाई करके इस लुक को कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन वाली लुक कर रही हूँ, तो मुझे लुक को ट्रांसफॉर्म करना है, तो मैं यहाँ पर लैशेस का इस्तेमाल करूँगी। फेक लैशेस यूज़ कर रही हूँ, लेकिन लैशेस आप देखें कि मैं बहुत बड़ी लैशेस नहीं ले रही। ठीक है, आँख के बाहर लैशेस नहीं निकाली मैंने, बिल्कुल सॉफ्ट सी हल्की सी लैशेस ली हैं, आँख की शेप में रहते हुए लैशेस अप्लाई करनी है। यहाँ पर इन चीज़ों का भी आपने
बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है जनाब, उसके बाद आ जाती है बेस की बारी। तो मैं यहाँ पर काशीज़ की फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और उसके अंदर मैं ब्यूटीफाई बाय आमना की मैंने थोड़ी सी मिक्स की है। डार्क सर्कल्स को कंसील करने के लिए मैं यहाँ पर ऑरेंज शेड का यूज़ करूँगी, जो कि अंडर आई एरिया पे डार्क सर्कल्स को कंसील करने के लिए अप्लाई कर रही हूँ। और जहाँ जहाँ हमारे डार्क पैचेज़ हैं, फेस के ऊपर डिसकलरेशन है, वहाँ पे आप ऑरेंज शेड का यूज़ कर सकते हैं। बेस हम थोड़ी सी हैवी रखेंगे, वही बात कि मैं लुक ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ, तो लुक ट्रांसफॉर्मेशन में क्योंकि मैं पार्टी मेकअप लुक टाइप की लुक कर रही हूँ, तो मुझे हल्की सी बेस हैवी रखनी है। ठीक है, अगर आप एवरीडे मेकअप कर रहे हैं तो आप इतनी बेस बिल्कुल अप्लाई नहीं करेंगे। तो ब्यूटी ब्लेंडर से आप लोग बेस को अच्छे से ब्लेंड कर लें, ठीक है। और बेस का कलर थोड़ा सा लाइट हो गया क्योंकि मैंने काशीज़ की फाउंडेशन यूज़ की है, वो थोड़ी देर बाद ऑक्सीडाइज हो जाती है स्किन में। अभी आप देखेंगे जब मैं फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद कॉन्टोरिंग वगैरह करूँगी तो एकदम स्किन लाइक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो अगली टिप मैं आपको दे रही हूँ, यहाँ पर देखें मैं हाई पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही हूँ, चीक बोन को, नोज़ को, क्यूपिड बो को, फोरहेड को। हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करने से आपका फेस और लिफ्टेड लगेगा। तो यहाँ पर मेच्योर स्किन के ऊपर मेकअप कर रहे हैं तो हाई अपने स्किन को आपने लिफ्टेड दिखाना है। ये जो ट्रिक है ये लाजमी यूज़ करें, आपका जो फेस है वो एकदम लिफ्टेड हो जाता है। तो ये वाली टिप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आँखों के नीचे जो है वो आप देखें कि मैं ब्राउन शेडो का यूज़ कर रही हूँ, वही ब्राउन शेडो जो मैंने क्रीज लाइन पे अप्लाई किया था। मैं यहाँ पर काजल का इस्तेमाल नहीं करूँगी, ठीक है, मैं यहाँ पर वाइट पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो ये चीज़ें जो हैं बस आप लोग गौर करते जाएंगे ना, अगर आप लोग समझ आती जाएगी आप लोगों को बस अच्छे से कि मैं क्या चीज़ कर रही हूँ और क्या चीज़ मैं अवॉइड कर रही हूँ। तो यही आप लोगों का मेकअप जो है वो यही एक आर्ट है, आप लोगों ने ये चीज़ सीखनी होती है कि क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, किस स्किन के ऊपर कैसा मेकअप करना चाहिए। एज के लिहाज से मेकअप करें तो ही अच्छा लगेगा। जब आप फाइनल लुक देखेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने एज के लिहाज से ही मेकअप किया। नोज़ की कॉन्टोरिंग कर लूँगी, फेस की कॉन्टोरिंग कर लूँगी, कॉन्टोर जो है कॉन्टोर लाइन बहुत हार्श नहीं दिखानी, आप लोगों ने ब्लेंडेड सा कॉन्टोर रखना है। ताकि वही बात है कि जितना कॉन्टोर आप यंग स्किन के ऊपर भी कॉन्टोर की हार्श लाइनें क्रिएट कर देंगे तो वो भी एकदम एज ज़्यादा लगने लग जाती है। तो आप लोगों ने एज को कम दिखाना है, एज कम दिखाने के लिए आप लोगों ने हार्श लाइंस क्रिएट नहीं करनी। आप देखें मैंने आँखों का मेकअप भी बहुत सॉफ्ट रखा है, मैंने कोई हार्शनेस नहीं रखी, कोई मैंने शिमर्स यूज़ नहीं किए, ठीक है। कॉन्टोरिंग अपने फेस शेप के मुताबिक करें, हेयर स्टाइलिंग करें आप अपने फेस शेप के मुताबिक। आप बालों को खोल सकते हैं, कर्ल्स कर सकते हैं, हल्का सा पीछे करके बैक कॉमिंग कर सकते हैं, या फिर आप लोग पिंस लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हेयर स्टाइलिंग के साथ आप काफ़ी चेंज कर सकते हैं लुक को। तो जनाब यहाँ पे कॉन्टोरिंग हो गई है, फेस शेप को मैंने कॉन्टोर कर लिया है, ठीक है। और कॉन्टोर के बाद ब्लश का मैं इस्तेमाल करूँगी। हाँ, ब्लश इस्तेमाल करें, ब्लश से आप फ्रेश दिखा सकते हैं अपनी स्किन को। तो फ्रेश कलर का ही ब्लश यूज़ करें, लाइट शेड का, और बहुत भर भर के भी ना अप्लाई करें कि वो बिल्कुल एक ऐसा लगे कि गालों पे आप बस सिर्फ कुछ ज़्यादा ही लगा के आ गए हैं। तो यहाँ पर मैंने फेस लिफ्टेड दिखाने के लिए ही लिफ्टेड ब्लश अप्लाई किया है। टेक्निक आप चेक करें, मैंने ऊपर वाली साइडों पे अप्लाई किया, ठीक है, इससे भी आपका फेस जो है वो लिफ्टेड दिखेगा। और बारी है लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक को आपने सबसे पहले ड्रॉ कर लेना है ब्राउन लिप लाइनर से। उसके बाद आप लोग लाइटेस्ट शेड की लिपस्टिक यूज़ करें, डार्क शेड अप्लाई करेंगे तो आपकी डार्क लिपस्टिक से भी एज ज़्यादा दिख सकती है, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर मैं लाइट लिपस्टिक अप्लाई करी हूँ और अब फाइनल लुक जो है वो मैं अपनी मदर को मिरर दिखाने लगी हूँ। अब आप देखें उधर खड़े होकर देखो, बताओ कैसा लगा आपको? बहुत बहुत मजेदार, बहुत अच्छा, खूबसूरत अच्छा लगा। लुक बदल गई आपकी? मैं नहीं लग रही। सो गाइज़ आप लोगों ने मेरी अम्मी का रिएक्शन तो देख ही लिया कि उनको अपनी लुक बहुत पसंद आई थी, और मुझे बस यही डर था कि उनको अपनी लुक पसंद आ जाए, कहीं वो ये ना कहें कि बहुत ज़्यादा मेकअप कर दिया, मुझे क्या बना दिया। लेकिन उनको बहुत अच्छा लग रहा था, वो हैरान हो रही थी, वो कह रही थी ये तो मैं हूँ ही नहीं, मेरी लुक ही बदल दी है। तो बस बेसिकली मेरा मकसद यही था कि उनकी लुक चेंज कर दी जाए और उनको बहुत अच्छी लगे, तो उनको पसंद आ ही गई है। और गाइज़ आप लोग भी बताना कि आप लोगों को कैसी लगी, अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ मेरी अम्मी के लिए एक लाइक और कॉमेंट तो बनता है, ज़रूर कर देना प्लीज़। अगर आप लोग भी अपनी मदर्स को इस तरह का मेकअप करना चाहते हैं तो ज़रूर करना, इस मेरी टिप्स को फॉलो करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।